प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इंदौर नगर निगम की ओर से सालाना बजट पेश किया गया है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बजट सम्मेलन में नगर निगम की ओर से 7,500 करोड़ का बजट पेश किया गया है। इस बार नगर निगम में कोई नया कर नहीं लगाया है, जबकि कर की दर में बदलाव किया गया है। बजट को देखने के लिए दो पार्षदों के बीच एक लैपटॉप रखा गया है। नगर निगम का ये बजट पूरी तरह से पेपरलेस है। बजट सत्र के दौरान एमआईसी की ओर से मंजूर 19 अन्य प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। नगर निगम के बजट सत्र के दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ सभापति मुन्ना लाल यादव, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे, एमआईसी सदस्य राजेश उदावत और राजेंद्र राठौर समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बजट पेश करने की कार्रवाई शुरू होते ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि शहर के 150 चौराहों पर फ्री वाईफाई जोन बनाया जाएगा। साथ ही इंदौर को डिजिटल सिटी बनाने के लिए लगभग 7 करोड़ की राशि खर्च होगी। इसके लिए नगर निगम खुद का डाटा सेंटर भी बनाएगा। चतुर्थ चरण के साथ निगम कर्मचारियों के विनिवेदीकरण की सौगात, अटल सिटी बस सेवाओं का विस्तार, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज सहित अन्य शहरों तक यात्री बस प्रारंभ करने का प्रावधान और शहरी सीमा की 400 गेटेड कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट के विद्युत भार निगम द्वारा वहन किए जाने के ऐतिहासिक निर्णयों एवं इंदौर को सोलर सिटी, डिजिटल सिटी बनाने के संकल्प के साथ यह बजट प्रस्तावित कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इंदौर नगर निगम की ओर से सालाना बजट पेश किया गया है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बजट सम्मेलन में नगर निगम की ओर से 7,500 करोड़ का बजट पेश किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।